नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 22x35 का प्लॉट बनाने जा रहे हैं, जिसका साइज़ है ये 22 फुट ऐसे में, जो हम लोग देखो हाईलाइट से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ये 22x35 है। ठीक है, 22 इसकी जो है चौड़ाई है और 35 इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये है हमारा 22x35। ठीक है, इसका टोटल एरिया है, टोटल एरिया 770 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब आपको मैं इसमें थोड़ा सा ये हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ, इसका टोटल एरिया है 22x35। ठीक है, और ये इसका टोटल एरिया है 770 वर्ग फुट। ठीक है, अब हम इसकी प्लानिंग को समझते हैं। ये हमने इसमें बॉल बना के रखी है, जो कि मैं आपको इस तरह से इसमें कलर भर के आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये इसमें आप जो है हम इसमें कलर भर के आपको समझा देते हैं कि ये कैसे जो है इसकी वॉल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हम समझेंगे इसके अंदर की प्लानिंग, अंदर की प्लानिंग इसकी क्या है। एक्चुअल में क्या है, ये जो छोटा मकान है गाँव के हिसाब से इतना अच्छा और सुंदर मकान है, जिसमें जो है जो भी मकान को देखेगा वो आपके मकान की तारीफ ज़रूर करेगा। और हम देखते हैं, ये हमने जो है आउटर वॉल बना ली है। आउटर वॉल की जो चौड़ाई है उसकी हम चौड़ाई रखेंगे लगभग 9 इंच, 9 इंच जो है हम आउटर वॉल की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, इंटरनल वॉल की चौड़ाई भी हम जो है 9 ना रखते हुए 4 इंच ही रखेंगे, जिससे हमें प्रॉपर स्पेस का बचत होगा। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसमें जो है थोड़ा सा इसको आउटलाइन बिल्कुल फिल कर लेते हैं, फिर हम इसको लाइन्स बाई लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्लानिंग हमने की हुई है। चलिए, अब अपन आते हैं इसके, ये थी। ठीक है, अब आप इंटरनल वॉल्स की तरफ आते हैं। इंटरनल वॉल्स जो हैं ये हमने 4 इंच की दी हुई है, इसको भी हम एक बार फिल कर लेते हैं फिर हम समझते हैं। ये हमने इंटरनल वॉल रखी है, और दरवाजे का स्पेस छोड़ते हुए हमें कलर को हम यहाँ फिल करेंगे। देखिए, ये हमने जो है यहाँ ये ऐसे, और ये हमने इसमें फिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे फिल करते हैं, तो आपको ये इससे आपको एक क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि हमारी प्लानिंग किस तरह की है। इससे आप अपने घर पर भी अगर इसको बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी कि दरवाज़ा कहाँ लगा हुआ है, खिड़की कहाँ लगी हुई है, और दीवार की थिकनेस कैसी है। ठीक है, ये हम बिल्कुल एकदम क्लियर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये डोर और ये है हमारी प्लानिंग। ठीक है, ये हमने इस तरह से, ये थोड़ा सा एक जो दीवार पीछे वाली और बची है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें मार्क करेंगे दरवाजे की पोजीशन। देखिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसमें दरवाजे की पोजीशन मार्क करते हैं। दरवाजे की पोजीशन भी आप देखते जाइए, इस तरह से हमने यहाँ जो है दरवाजे की पोजीशन रखी है। ये हमारे दरवाजे हैं। ठीक है, एक ये दरवाज़ा है, ये ओपन में जाने का रास्ता, ये जो है टॉयलेट का रास्ता जो आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने मेन एंट्री है। ठीक है, ये हमारी मेन एंट्री हमने यहाँ रखी हुई है। ठीक है, और ये हमारा आगे वाले टॉयलेट का डोर है। ठीक है, ये हमारी मेन एंट्री है। मेन एंट्री में जो बैठक है, बैठक में जाने का रास्ता हमारा यहाँ से है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, ये है हमारी मेन एंट्रेंस, एंट्रेंस। ठीक है, और ये हमारा पार्किंग एरिया, तो यहाँ से हमारी पार्किंग की एंट्री है, तब PARK पार्क। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पोर्च, तो इसको पार्किंग भी कह सकते हैं, इसे हम पोर्च भी कह सकते हैं, पोर्च। ठीक है, अब इसकी हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये हमने प्लानिंग समझ ली, इसके बाद हम थोड़ा डोर विंडो भी समझ लेते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये है हमारी विंडो वेंटिलेशन। ठीक है, और ये है हमारा एक वेंटिलेशन और, ठीक है, एक ये है हमारी मेन विंडो जो हमारे फ्रंट में आएगी। तो ये इस तरह से हमने इसको हाईलाइट करके दिखा दिया। ये हमारी है किचन की विंडो, ये हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से टोटल ये विंडो हमने यहाँ पर शो कर दी है। और दरवाजे की पोजीशन आपको हमने ये दिखाई दी है कि दरवाजे की पोजीशन कैसे। अब हम इसके
साइज़ की बात कर लेते हैं कि साइज़ का किस तरह से है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ड्राइंग रूम का साइज़। तो ड्राइंग रूम का साइज़ है ऐसे, ये है इसका साइज़ 9 फीट बाय 12 फीट, ये 12 फीट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है टॉयलेट है, जो फ्रंट वाला टॉयलेट है उसको भी समझ लेते हैं हम। तो ये टॉयलेट का साइज़ है, ये 4 फीट ऐसे में है, ठीक है। और इसका साइज़ है 7 फुट 6 इंच, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हम इसे, एक वॉल को हम यहाँ भूल गए थे, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें किचन की। तो किचन का साइज़ है हमारा 7 फिट ऐसे में है हमारा, मतलब 7 फिट आप देखेंगे तो 7 फिट हमारा ऐसे में है यहाँ तक, ठीक है। और 8 फिट 9 इंच ही हमारा ऐसे में है, 8 फिट 9 इंच ये हमारा लंबाई में है, ठीक है। और ये हमारा एल शेप में प्लेटफॉर्म है और इसको हमने ओपन किचन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया का साइज़ हमारा है यहाँ से देखते हैं हम तो 13 फुट 6 इंचेस, मतलब 13 फुट 6 इंच हमारा लेंथ है उसका और चौड़ाई है हमारी 8 फिट 9 इंच। किचन और डाइनिंग एरिया लगभग हमारा बराबर है, ठीक है, इस तरह से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पीछे वाले बेडरूम में। तो बेडरूम का साइज़ हमने रखा है 13 फुट 6 इंच चौड़ा है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 12 फीट। देखिए ये हमने 12 फीट रखी है, ठीक है। पीछे वाला जो ओपन है हमारा 6 फीट 6 इंची का ओपन है और इसकी चौड़ाई है हमारी 4 फीट, ठीक है। टॉयलेट का साइज़ भी देख लेते हैं एक बार हम। तो टॉयलेट का साइज़ हमारा 6.5 फीट 6 फीट 6 इंच और इसकी लंबाई है हमारी लगभग 7 फुट 6 इंच, जो भी वो भी बहुत अच्छा है। ये हमारा टॉयलेट अटैच है और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। अब इसके हम नाम की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़े से। ये हमारा है टॉयलेट, ये हमारा है ड्राइंग रूम, ठीक है। ये है हमारा डाइनिंग एरिया और ये है हमारा किचन, ठीक है। ये है हमारा बेडरूम, ठीक है। ये हमारा टॉयलेट, ठीक है। और ये हमारा पीछे ओपन, ये हमने ओपन दे रखा है जो हमारे किचन में है और टॉयलेट में, सॉरी किचन कह रहा हूँ, बेडरूम में और टॉयलेट में वेंटिलेट करेगा। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा बेडरूम, ये हमारा ओपन, ये हमारा टॉयलेट, ये हमारा डाइनिंग एरिया, ये हमारा किचन, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग एरिया और ये हमारा आगे वाला टॉयलेट और ये हमारा पोर्च, ठीक है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल प्लानिंग है। इसमें एक बार थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लेते हैं कि हमारे इसमें कॉलम कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको इसमें एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ एक पीछे कॉलम हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। एक कॉलम हमारा इस जगह पर आएगा, एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा और एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। और एक लास्ट कॉलम हमारा इस सेंटर में यहाँ आएगा फ्रंट पे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे मकान में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल 12 कॉलम हमारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग हमारे सामने समझ में आ रही है। इस प्लानिंग की टोटल कॉस्ट आप ये मान के चलिए, जब आप ये बनाने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट आपकी आएगी, कॉस्ट की हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। कॉस्ट की जो अमाउंट है, कॉस्ट अमाउंट टोटल कॉस्ट अमाउंट जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा करीब करीब 7.5 लाख, 7.3 लैक्स, ये हमारा टोटल प्राइस है। ओवरऑल प्लानिंग हमारी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी प्लानिंग बनी हुई है, इसको देखिए और पसंद कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।